हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने लास्ट में जो इंटीग्रल कैलकुलस वाली यूनिट स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल तक हम लोगों ने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल यानी कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का हम कहाँ कहाँ पे को अप्लाई करके हम कौन कौन से चीज़ें और ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आज इस पूरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज जो देखने वाले हैं, आज हम लोग इसमें से देखेंगे बेसिकली हम लोग इसमें देखने वाले हैं एरिया, देन हम लोग देखेंगे वॉल्यूम, देन इसके बाद मास एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारी चीजें हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से इन चीजों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का वो भी समझ में आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करें, मैं पहले बात करूं डबल इंटीग्रल की। ठीक है, डबल इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इससे हम लोग क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर इससे हमें डबल इंटीग्रल का यूज करके एरिया निकालना हो इन अ डोमेन डी, कोई हमारे पास रीजन डी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे है ना डबल इंटीग्रल लेंगे ओवर द रीजन डी है ना, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग डी एक्स इंटू डी वाई इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग? डबल इंटीग्रल ओवर डी ले लेंगे डी एक्स इंटू डी वाई का, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा एरिया को रिप्रेजेंट करेगी बाउंडेड बाई द गिवन कर्व्स, जो भी हमें कर्व गिवन होंगे। फिर हम इसमें डबल इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए भी। कैसे? कि मान लेते अगर हम डबल इंटीग्रल का यूज करके वॉल्यूम ऑब्टेन करें तो इट विल बी गिवन बाय द रीजन ओवर डी एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ सरफेस है। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, इक्वेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या है इक्वेशन ऑफ द है ना जो भी सरफेस है उसकी इक्वेशन है, और डी हमारा रीजन क्या होगा, डी रीजन जो होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन। जो डी हमारा होगा रीजन कौन सा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस सरफेस ऑन द एक्स वाई प्लेन, मतलब जो भी हमारा सरफेस है उसका एक्स वाई प्लेन पे हम क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे। और फिर जो हमारा बनेगा वो जो हमारा पार्ट होगा जितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा होगा दैट विल बी ऑब्टेन बाय दिस इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास हम लोग किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मास इवेल्युएट करने के लिए हमें चाहिए कि सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रल ओवर डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, बट क्या चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे जो एफ एक्स वाई था दिस इज द दिस इज ऑब्टेन बाय द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, ठीक है, एफ एक्स वाई क्या होगा, सरफेस डेंसिटी होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस डेंसिटी, एफ एक्स वाई क्या होगा, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी का मतलब ये है मास है ना, इट्स लाइक यूनिट यूनिट मास। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, मास पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितना भी मास होगा दैट विल बी आवर सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी के साथ अगर हम सरफेस डेंसिटी का अगर हम ओवर द रीजन डी इंटीग्रल ले लेंगे तो दैट विल बी द मास ऑफ द रीजन डी। जो उस रीजन डी होगा, उस रीजन डी का कितना मास होगा वो हमें मिलेगा है ना, इंटीग्रल ओवर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया की हम बात करेंगे, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5। अगर हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया की बात कर रहे हैं,
तो ये हम लोग थ्री पार्ट्स में ऑप्टेन करेंगे, ठीक है। थ्री पार्ट में लाइक अलोंग एक्स एक्सिस, एक तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई एक्स एक्स से, है ना। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय द आई एक्स कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ले लेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। और डबल इंटीग्रल किसके साथ ले लेंगे, एफ एक्स वाई के साथ ले लेंगे, ठीक है। ये डबल एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स वाई के साथ ले लेंगे, डीएक्स डी वाई ले लेंगे, और यहां पे हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें लॉन्ग एक्स एक्सिस चाहिए होगा तो हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड एफ एक्स वाई डीएक्स डी वाई। एफ एक्स वाई हमारा जो है ये हमारा क्या है, सरफेस डेंसिटी है। एफ एक्स वाई हमारा क्या है, सरफेस डेंसिटी है। सिमिलरली अगर हमको लिखना है लॉन्ग वाई एक्सिस, along y axis, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे i, and this will be double integral over x square fx y dx dy, ठीक है। इसके बाद हम along origin भी निकाल सकते हैं, कि अगर हमें along origin मतलब o निकालना हो तो ये will be, it will be represented by i o, ठीक है। and ये हमारा equal होता है i x x plus i y y माइनस, यानी इन दोनों की वैल्यू को प्लस करना है एंड फिर हमें माइनस करा देना डबल इंटीग्रल ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें एरिया इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल, ठीक है, रीजन डी का, तो हम इंटीग्रल ओवर डी ले लेंगे सिर्फ डी एक्स डी वाई का, सॉरी। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है फ्रॉम द डबल इंटीग्रल तो हमें एक सरफेस की इक्वेशन चाहिए z is equal to fxy, फिर हम क्या करेंगे fxy dx dy इवैल्यूएट कर लेंगे ओवर द रीजन d, d क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा सरफेस का ऑन द xy प्लेन, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मास इवैल्यूएट करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम यहां पे डबल इंटीग्रल ओवर d कैलकुलेट कर लेंगे fxy dx dy का, बट यहां पे fxy जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो एफ एक्स वाई था वो इक्वेशन ऑफ सरफेस था, और यहाँ पे जो एफ एक्स होगा वो सरफेस डेंसिटी होगी। सरफेस डेंसिटी का मतलब है एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में जितना भी मास है विल बी गिवन बाय एफ एक्स वाई। फिर हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे डीएक्स डीवाई ओवर द रीजन डी, तो पूरी रीजन डी का मास हम जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इवेल्युएट करना है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला हमारा है, along y axis के लिए फॉर्मूला है, along origin के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एक पॉइंट होगा, है ना, पॉइंट होगा जो क्या होगा पूरे रीजन का, है ना, एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट अगर ऑब्टेन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला इसका बनेगा देख लेते हैं जरा। अगर हम ऐसे इस तरीके से बाल लें कि लेट एक्स सी कॉमा वाई सी, इसको हम लोग सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, है ना, ये बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बी द सेंट्रॉइड, इस तरीके से हमारा सेंट्रॉइड है। तो एक्स सी, जो एक्स सी हमारा होगा, इट विल बी गिवन बाय डबल इंटीग्रल ओवर डी, है ना, जिस सरफेस है जिस रीजन की बात हो रही है, डबल इंटीग्रल ओवर डी एक्स इंटू, है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा ये एक्स इंटू, और इसके साथ में हमारा आ जाएगा एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और इसको हम लोग डिवाइड करा देंगे एम से, ठीक है। एम मतलब जो हमने यहाँ पे मास इवेल्युएट किया था, यहाँ पे एफ एक्स वाई जो है ये सरफेस डेंसिटी फंक्शन है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड अपॉन डबल इंटीग्रल ओवर डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, वाई सी हमारा क्या हो जाएगा, वाई सी हमारा हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर डी, ये हो जाएगा वाई इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन, यहां पे भी हमारा एम आ जाएगा और हम m को भी उसकी अपनी वैल्यू से रिप्लेस करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का।
तो ये एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि ये सब ये कि बस इतने ही एप्लीकेशन पॉसिबल हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बट ये इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि डबल इंटीग्रल का यूज करके हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब इनमें से ही हम कौन कौन सी क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल की जगह ले लेते हैं हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग लेने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रल। तो ट्रिपल इंटीग्रल में हम एरिया को तो इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल में हमारे पास थ्री डायमेंशंस होंगी, थ्री डायमेंशंस को अगर हम मिला के कोई भी फिगर बनाएंगे तो वो वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो हम ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके एरिया इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके। तो वॉल्यूम विल बी गिवन बाई, मान लीजिए हमारे पास कोई रीजन वी है, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस विल बी सिंपली गिवन बाय डीएक्स डीवाई डीजेड। ठीक है, इसका वॉल्यूम सिंपली विल बी गिवन बाय डीएक्स डीवाई डीजेड। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं मास की, मास फंक्शन की। तो मास फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, एम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, एंड क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट विल बी ओवर वी। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रल हो गया ओवर वी, और दिस विल बी गामा एक्स वाई जेड इनटू डीएक्स डीवाई डीजेड। ठीक है, मास विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी गामा एक्स वाई जेड डीएक्स डीवाई डीजेड। यहां पे जो गामा एक्स वाई जेड है, दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब यह है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग है ना क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं इन द रीजन ऑफ द रीजन वी, है ना, रीजन वी का मास निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की, तो एक हमारा हो जाएगा एक्स आई जेड जेड, है ना, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग अगर हमको निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गामा एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल से क्या हो सकता है हम लोग, है ना, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया अलोंग द जेड एक्सिस। ये किसके अलोंग है, यहाँ पे डी जेड रहेगा अलोंग जेड एक्सिस। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आई एक्सिस लिख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा गामा एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, और ये किसके लॉन्ग हो जाएगा, ये लॉन्ग हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सी हो गया। फिर थर्ड फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉइंट जो पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो एक्स सी होगा, वाई सी होगा एंड जेड सी होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे एक्स सी वाई सी एंड जेड सी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक्स सी यहाँ पे कैसे गिवन होगा, एक्स सी विल बी गिवन बाई ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, एंड दिस विल बी एक्स गामा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे डी एक्स डी वाई डी जेड एंड अपॉन, यहां पे हम लिख लेंगे एम। ठीक है, कैसे हो गया ये, एक्स ही हो गया हमारा एक्स गामा एक्स वाई जेड अपॉन एम। ठीक है, मतलब एम की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी गामा एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, दिस विल बी y इंटू गामा एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड एंड अपॉन m। ठीक है, और हमारा z कोऑर्डिनेट हो जाएगा
जेड कोऑर्डिनेट विल बी ट्रिपल इंटीग्रल ओवर बी, यहाँ पे जेड आ जाएगा गामा एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड एंड होल अपॉन एम। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के, तीन फॉर्मूलाज का यूज करके हम ये सारी वैल्यूज जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डबल इंटीग्रल से रिलेटेड होगा और एक ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पे करा पाऊँ, मेरा मेन मोटिव यही है कि किसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और एक या दो क्वेश्चंस करा के, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चंस को खुद से भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल है फाइंड द मास, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है रिलेटेड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगल ठीक है रेक्टेंगल हमें गिवन है जीरो लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू टू सॉरी ये फोर है एंड जीरो लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू टू ठीक है हैविंग मास डेंसिटी एक्स वाई ओके तो हम लोग मास डेंसिटी बोलेंगे या फिर सरफेस डेंसिटी बोलेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। जब वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा तो गामा हो जाएगा, जब मास डेंसिटी की बात है तो हमारा एफ एक्स वाई रहेगा। ठीक है, जो हम एफ एक्स वाई ले रहे थे वहां पे सरफेस डेंसिटी, उसी को हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, इसमें मैं कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है, बहुत ही यहाँ पे हमारा x जो है वो 0 से लेके 4 तक है, तो x 0 ये हो गया, 4 ये हो गया, y 0 ये, y 2 ये, तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, डबल इंटीग्रल इवेलुएट करना है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, मास को करना है। तो मास का फॉर्मूला हम सबको पता है कि अभी हमने पढ़ा डबल इंटीग्रल ओवर डी, डी हमारा रीजन है जो कि रेक्टेंगल है, और ये कहां से कहां तक क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स वाई होता है इसका फॉर्मूला एंड इनटू होता है डी एक्स डी वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑब्टेन करने का। ठीक है, यूजिंग द डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे टू डायमेंशनल बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लिमिट्स इवेल्युएट करनी है, तो ये हमारा जो पॉइंट है 0,0 है, दिस इज अवर 4,0, ये पॉइंट हमारा है 0,2 और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं x हमारा 0 टू 4 वैरी कर रहा है, y 0 से 2 तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम 0 टू 4 ले लेते हैं, 0 टू 2 ले लेते हैं। और fxy हमारा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी हमें क्या गिवन है, xy गिवन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx dy हो गया। ठीक है, अब ये सिंपल सा डबल इंटीग्रल बन गया है, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो ये इंटीग्रल इवेल्यूएट करना बहुत आसान है, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने बताया था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें इवेल्युएट करना है तो इंटीग्रल ओवर डी, ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड अपॉन में क्या होगा, एम होगा, एम हम ऑलरेडी इवेल्युएट कर लेंगे यहाँ से, तो जैसे ही इसको जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी हमारी लिमिट 0 टू 4 है, 0 टू 2 है, x into fxy मतलब xy, तो that will be x square y dx dy and upon m। अब ये भी एक सिंपल सा डबल इंटीग्रल है, ये लिमिट हमारी y की, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड करा लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर d y इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई
एंड अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 to 4, 0 to 2 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन एम। इस तरीके से क्या आ गया हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, ठीक है। तो अगर आपको डबल इंटीग्रल का इवेल्युएशन पता है, आपने डबल इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया है, उसके क्वेश्चंस करने आ गए हैं, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं अभी क्लियर है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार वीडियो जरूर जाके देख लें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वाला, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका भी सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन निकालना है। तो ये हमारा अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो इट विल बी डबल इंटीग्रल ओवर डी, है ना, और ये होता है वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर डी, है ना, यानी कि ये तो 0 to 4 हो गया, 0 से 2 हो गया, y square into xy, तो xy cube हो गया, dx dy आ गया, ठीक है। चलिए एक डबल इंटीग्रल का सॉल्व भी कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो हमारा x जो हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, एंड y cube का इंटीग्रेशन होता है y टू पावर 4/4, एंड इस पे लिमिट क्या होगी, 0 से 2 हो गई, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, y जगह 4 यहाँ पे हम रख देंगे, तो 16/4 ये 4 हो गया, 4 हमारा कांस्टेंट हो गया, हमने इसको बाहर कर लिया, 0 टू 4 हो गया, x dx हो गया। तो ये 4 इंटू, अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 टू 4, तो 16/2 यानी 8 आ गया, यानी 4 इंटू 8 यानी 32 आ गया, ठीक है। 32 हमारा क्या आ गया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई कर देंगे, रीजन हमारा यही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई आ जाएगा। अलोंग ऑरिजिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे, डबल इंटीग्रल ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास, है ना, या फिर और भी अगर मैं एरिया निकालना होता तो एरिया भी निकाल सकते हैं यूजिंग द डबल इंटीग्रल, पर रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो ऑलरेडी लेंथ इनटू ब्रेथ करके भी निकाल लेंगे, इसलिए एरिया यहाँ पे हमने बोले नहीं किया है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कैसे ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके हम बाकी चीजें भी इवेल्युएट कर सकते हैं। Find the mass, ठीक है, हमें मास इवेल्युएट करना है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब मैंने पहले बताया था, सेंट्रोइड का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एंड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, है ना, एक्सेस, है ना, प्लेन एक्सेस ऑफ प्लेन, एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, है ना, ये टेट्राहेड्रॉन है हमारा, ठीक है। इससे बाउंडेड जो रीजन होगा एंड द प्लेन एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन होगा उसमें से हमें मास एंड सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला हमें पता है, मास इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रल, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज गामा एक्स वाई जेड इंटू, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। गामा एक्स वाई जेड क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम डेंसिटी तो गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि कोई इसकी वॉल्यूम डेंसिटी होगी रो, जिसको मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, तो रो हमने डेंसिटी मान ली, तो गामा की वैल्यू रो रख देंगे। अब बात आती है इस रीजन की लिमिट निकालने की, तो जब भी थ्री डायमेंशनल फिगर होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेड की वैल्यू तो यहाँ से एज इट इज इवेल्युएट कर लेंगे, सी 1 - x / a - y / b, ठीक है, और वो कह रहे हैं जो रीजन है वो बाउंडेड बाय द है एक्सिस, है ना, एक प्लेन ऑफ द एक्सिस, है ना, मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो अगर हम जेड की वैल्यू देखें तो इट विल गोज फ्रॉम 0 to this one, ठीक है। तो जब भी हमें ट्रिपल इंटीग्रल गिवन होगा तो सबसे पहले हम इंटीरियर लिमिट को बनाएंगे यहाँ पे 0 to c 1 - x / a
माइनस वाई अपॉन बी पी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस थ्री डायमेंशन फिगर को टू डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जेड को रख लेंगे यहाँ पे जीरो। जब जेड को यहाँ पे जीरो रख लेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी वन माइनस एक्स अपॉन ए। तो वाई की लिमिट हो गई हमारी जीरो टू बी वन माइनस एक्स अपॉन ए। और इसके बाद x हमारा क्या है, x हमारा 0 टू a है, तो x की वैल्यू 0 टू a लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हमने लेट किया हुआ है रो एंड dx dy dz। ठीक है, रो तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सिर्फ dz हमारा है, तो dz का हमारा इंटीग्रेशन हो गया z। तो ये हमारी x की लिमिट हो गई, ये हमारी b की लिमिट हो गई, सॉरी y की लिमिट हो गई, यहाँ पे आ गया हमारा जेड। जेड पे हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी कौन सी, जीरो टू वन माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। ठीक है, और हमारे पास क्या है, dx dy हो गया। ठीक, इसको हमने इवेल्युएट किया तो ये हमारा हो गया जीरो टू ए रो के साथ, जीरो टू बी एक्स अपॉन ए, एंड यहां पे हमारे पास आ गया वन माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, इस पूरे के साथ में dx dy। ठीक है, अब हम क्या कर लें, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी रो 0 टू a, है ना, इट विल बी y माइनस x अपॉन ए वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू बी, एंड विद दिस वी हैव लिमिट फ्रॉम 0 टू b 1 माइनस x अपॉन a। ठीक है, इस पे लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो होल जो इंटीग्रेंट होगा हमारा यहाँ पे dx है, x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे, है ना, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा उस रीजन का जो कि बाउंडेड है। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्लेन्स एंड द टेट्राहेड्रॉन x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ठीक है, जैसे ये मास आ जाएगा तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इस m की वैल्यू लिख लेते हैं, ये m हमारा आ रहा है, हमने इस m की वैल्यू इवैल्यूएट की है रो ए बी सी अपॉन दिस इज रो ए बी सी अपॉन सिक्स। तो ये हमारा फाइनली इवैल्यूएट होके आएगा रो ए बी सी अपॉन सिक्स, ये m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इवैल्यूएट करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो x, c, y, c एंड z, c है, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द या आर द बी द सेंट्रोइड ऑफ द रीजन, जो भी रीजन है उसका सेंट्रोइड है ये। तो x, c है, इट विल बी गिवन बाय ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, x इंटू, हमने यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या ले रखी है, रो ले रखी है, ये रीजन बी की बात हो रही है, इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड है, एंड अपॉन में हमारे पास क्या है, एम है। तो यहां से रो तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारी सेम रहेगी जीरो टू ए, जीरो टू बी वन माइनस एक्स अपॉन ए, एंड जीरो टू सी वन माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, इस तरीके से। अब यहां पे क्या बचा हमारे पास, एक्स डी वाई डी जेड एंड होल अपॉन हमारी एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू रो ए बी सी अपॉन सिक्स। तो ये हो जाएगा रो ए बी सी, एंड यहाँ पे सिक्स जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो सिक्स अपॉन ए बी सी आएगा। और फिर हम इस ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो ये फाइनली इवेल्युएट होके कितना आएगा, ये हमारा फाइनली इवेल्युएट होके आ रहा है ए अपॉन फोर। ठीक है, एंड सिमिलरली हम yc निकालेंगे, तो yc और हमारा zc आ रहा है b अपॉन फोर, एंड यहाँ पे zc अगर हम लिखेंगे तो ये आ रहा है c अपॉन फोर। तो ये हमारे सेंट्रोइड आ रहे हैं आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, तो इस तरीके से इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। होप ये वीडियो काफी हेल्प करेगा, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्लीज करिएगा। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।